मैं खाना लेके आई हूँ, गेट बंद कर दिया इन्होंने। गेट खोलो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस टाइम पे हो रही है मेरी साफ सफाई, खाना पीना हो चुका है, तैयारी हो चुकी है। पापा ने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया है तो पापा के लिए कर दिया, भैया तो जा ही रहे थे ऑफिस और हस्बैंड की तो घर से चली रही है जॉब। और यार पता है आज मॉर्निंग में क्या हुआ, मतलब जैसे ही मैं उठी और मैंने यूट्यूब स्टूडियो खोला तो उस पर से कम 20 सब्सक्राइबर एकदम से गायब, मतलब रात में एकदम से गायब हो गए। बट यूट्यूब पे सही दिखा रहा है, बट यूट्यूब स्टूडियो पे ना पता नहीं क्या हो गया, एकदम कम हो गए। तो मैंने कहा पता नहीं क्या गलती कर दी मैंने, ऐसा क्या हो गया। बट फिर सर्च वर्च किया हमने तो पता चला कि ऐसा हो जाता है, बाय मिस्टेक होता है, एक दो दिन में सब सही हो जाएगा, दोबारा से उतने हो जाएंगे जितने यूट्यूब पर दिखा रहा है। तो ये बाय मिस्टेक आई थिंक हो जाता है, कि काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है, ऐसा होता रहता है। तो फिर थोड़ा जान में जाना ही, तो मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्या हो गया। तो भाई यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है, काम वाम सब हो चुका है मेरा, काम से फ्री हो गई हूँ। तो मैं यहाँ शिमला आलू की सब्ज़ी बनाई थी सुबह को, तो वही लेके आई हूँ, रोटी सेक के ले आई हूँ मैं। तो हस्बैंड और मैं अब लंच करेंगे। तो यहाँ ना मैं रायता बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए तो बूंदी का बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं तो ऐसे ही ले लेती हूँ, मुझे डेली बूंदी का पसंद नहीं है, मतलब कभी कभी ले लो तो चल जाता है। और थोड़ा ना पानी मिला लेती हूँ दही में, क्योंकि दही बहुत गाढ़ा हो रहा था तो थोड़ा पतला ही सही रहता है खाने का। तो इसमें मैं थोड़ा पानी मिला लिया और मसाला ऐड कर लिया, जीरा पाउडर, हींग वाला मसाला बनाया हुआ, उसमें मैंने पुदीने को सुखा के उसको उसमें पीस के डाल लगा हुआ है मसाले में, तो उसको ऐड कर लो ना रायते में, बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ खाना रेडी हो गया, आप लोग। तो यार आज हो गया फ्राइडे और बाल मैंने ना अभी अभी ओपन करा है, पीछे से सारा ना सर गीला गीला हो रहा है अभी तक। सुबह यार सिर धोया था, तो आज गर्मी इतनी हो रही है ना कि मैंने बालों को खोला नहीं, फिर सुबह से ऐसी बांध रखा है और काम में लगी पड़ी हूँ, बस एसी अब चलाया मैंने। अब मैंने कहा थोड़ी देर बाल खोल लेती हूँ, बंधे बंधे ना फिर सिर में दर्द हो जाता है। अंदर की साइड से गीले हैं, बाहर से तो दिख रहा है सूख गए, बट अंदर की साइड से पीछे जहाँ पे मैंने जूड़ा लगा रखा था ना उस साइड से थोड़ा गीला है, तो सूख जाएंगे थोड़ी देर में। और यार बस फ्री हो गई हूँ, काम हम सब हो गए। जीनू गई है नीचे दादी के पास, जीनू को दूध मैंने नीचे दे दिया, उनकी मम्मी पिला देंगी। आजकल पता नहीं यार मुझे क्या हो रहा है, मुझे ना बहुत आलस आ रहा है एक दो दिन से ऐसा शरीर हो रहा है कि ना सो जाओ लेटे रहो, ना आलस सा भरा हुआ है बॉडी में, पता नहीं क्या हो गया एक दो दिन से। खाना पीना हो गया, लंच हमने कर लिया, घर से आवाज आ रही है, पता नहीं जीनू रो रही है, कौन रो रहा है देखो। नहीं जीनू नहीं रो रही, ऊपर परी रो रही है सर, जीनू नहीं, ऊपर परी की आवाज़ आ रही थी, रेंट पे रहते ना ऊपर, तो शायद उनकी बेटी रो रही थी। यार इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है, आज मैं आपको बाल्टी दिखाती हूँ एसी का पानी, मतलब इतने दिनों में एसी की जो बाल्टी है ना, एसी का जो पानी निकलता है अली बाल्टी, इतने दिनों से भरी नहीं है और आज जाके थोड़ी सी भरी है, ये देखो आज जाके भरी है ये, तो इससे पता चल रहा है कि आज कितनी गर्मी है। इतने टाइम से थोड़ा थोड़ा पानी हो रहा था, जरा जरा सा पानी होता था तो मैं पोंछा लगा लेती थी, मतलब उसी बाल्टी में पानी और लेके। आज मैंने पोंछा जो है इससे नहीं लगाया, क्योंकि मैंने ना आज वाइपर से मार दिया पोंछा, ऐसी मेरी ना कमर में दर्द हो रहा था तो मैंने वाइपर लेके और वाइपर में पोंछा डाल के और ऐसी लगा दिया, फिर धो धो के। वरना इस पानी का यूज़ तो मैं कर लेती हूँ पोंछे में, एसी के पानी को वेस्ट नहीं करती मैं, कई बार फिल्टर का पानी ले लेती हूँ, क्योंकि फिल्टर से बहुत पानी वेस्ट हो जाता है, तो ऐसे यूज़ में ले लेते हैं, पानी कोई ख़राब तो होता नहीं है, पानी तो सही होता ही है, तो इसलिए मैं पोछा वोछा लगा लेती हूँ इस पानी से। बट आज मैंने यार वैसे ही थोड़ा ना ऐसी बॉडी हो रही है जैसा मैंने बताया आपको, तो फिर मैंने ऐसी वाइपर से मार दिया पोछा। कैसे किया था अपन ने? यार कुछ ना मीठा खाने का मन कर रहा है, चॉकलेट भी खत्म हो गई है। जीनू कोका खा लिया आपने सारा? हाँ, कोका कोका सारा खा लिया? हाँ। मम्मा क्या खाएगी? हाँ। मम्मा क्या खाएगी? खाएगा मम्मा। हैं? खाएगी? वो खाएगा। अच्छा हाँ। लकड़ी का है वो, मम्मा के दांत टूट जाएंगे, मम्मा के दांत टूट जाएंगे तो खा के। हाँ दांत टूट जाएंगे। हाँ यार ये रखे हैं लड्डू, ये दीदी ने बनाया दक्षिणी मिर्ची जो होती है ना,
उसके लड्डू बनाए थे, कल बनाए थे। मैं काफ़ी कुछ पड़ा हुआ, ड्राई फ्रूट वगैरह, घी देसी घी काफ़ी पड़ा हुआ है, दक्षिणी मिर्च और ही पता नहीं काफ़ी कुछ है। बट यार मेरे को ना थोड़ा कम पसंद है, मैंने खाया ही नहीं है, खा के नहीं देखे हैं। बट वैसे ही मुझे घर के जो लड्डू होते हैं ना, जैसे आटे के लड्डू हो गए या दक्षिणी मिर्च के सौंठ के लड्डू, ये मुझे पसंद नहीं ज़्यादा, तो इसलिए मैं खाती नहीं हूँ। बट थोड़ा सा चेक करके देख लेती हूँ कैसा है। लड्डू अच्छे हैं, थोड़ा देसी की ज़्यादा है, देसी की महक आ रही है मुझे, तो इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। जीनू चलो आ जाओ, जीनू जाओ, गेम नहीं खेलोगे, चलो कोका नहीं है, लड्डू है, वही वाला मिर्ची वाला। तो यार अभी जस्ट सो के उठे हैं जीनू और मैं, और मैं यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ ग्रीन टी, थोड़ा सा ग्रीन टी पीऊंगी, थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊंगी पी के, थोड़ी सी बना रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। पसंद तो घर किसी को नहीं होती, बट फायदा करती है तो इसलिए पीनी पड़ती है, बट पीते रहो तो आदत पड़ जाती है। ये नू पियोगे? ये तो विक्स की तरह लग रही है, विक्स घोल दिया से पानी में, मिंट फ्लेवर, बकवास लग रही है। क्या कर लेते हैं बस, कैसी है? मिट्टी है, अच्छी नहीं है ना, बेकार है, जूस है, जूस। यहाँ यार जीनू ना नीचे चली गई खेलने के लिए, और मैं चाय बना के लाई थी तो मैंने देखा कि जीनू ने पूरा बेड गंदा कर रखा है, बैठने की जगह तक नहीं थी इस पर, तो फिर मैंने सारे टॉयज़ वगैरह उसके उठा के रखे, क्योंकि मुझे ना बेड खाली अच्छा लगता है, बेड भरा भरा होता अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ और तब तक एडिटिंग भी कर लेती हूँ। तो मैं लैपटॉप भी लेके आ गई, तो हस्बैंड वही फिंगरप्रिंट लगाने के लिए आए थे, उन्हें लगा मैं उनकी आई डी से कर रही हूँ, तो मैंने कहा नहीं मैं अपनी आई डी से कर रही हूँ, तो बस यहाँ पर थोड़ा एडिट कर लेती हूँ, फिर जीनू आ जाएगी दोबारा से, मुझे पता है फिर वो करने नहीं देगी। जीनू, ये जीनू तो चेंज होके आ गया। ओ, जीनू का मेकअप किसने किया? जीनू दादी से चोटी बनवा के आई है। हैं जीनू, और जीनू काजी काजी भी करा के आई है। जीनू दिखाना, अभी से बदल गया ना कैमरा ऑन, अब देखो नखरे दिखाइए, एक्टिंग करके दिखाइए। मम्मा मिनी छूना मत, तत्ता है ये, तत्ता है। मिनी को अलग अलग लेटा के आ गई कि ये तत्ता है, गरम है तो गरम को तत्ता बोलती है, तो ये गरम हो रहा है अभी क्योंकि मैं करूंगी इससे सिकाई अपनी कमर की, तो जीनू कह रही है तत्ता है, तो उसको अलग बिठा के आ गई। ओ, 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 उसको तत्ता लग गया। नो, 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 नो। चलो यार चलते हैं खाना बनाने के लिए, आज बनेगी कड़ी, और 6:30 होने वाले हैं और मौसम ऐसा हो रहा है कि 5 बज रहे हूँ बाहर, तो आजकल धूप जो है वो देर से जाती है ना, तो अभी तक इतनी रोशनी हो रही है, लग ही नहीं रहा कि शाम के 6:30 होने वाले हैं। हल्की हल्की सी धूप अब जा रही है धीरे धीरे। तो यार अब ना रात का टाइम हो गया और मैं खाना लेके ऊपर आई हूँ अपने लिए, और इन लोगों ने गेट लगा रखा है अंदर से। अरे गेट खोलो, बाप बेटी दोनों अंदर गेम खेल रहे हैं, और मैं कब से गेट नॉक कर रही थी, इन लोगों ने बड़ी देर में गेट खोला यार सच में। यार मैं खाना लेके आई हूँ, गेट बंद कर दिया इन्होंने। कितनी देर से बोल रही हूँ मैं, कोई खोल ही नहीं रहा, दोनों बाप बेटी गेम में लगे हुए हैं।
बोलो बेटा खोलो, बोलो और खींचो और खींचो, वेरी गुड। अरे वाह, अरे वाह, गेट खोल दिया जीनू। चलो मम्मा खाना खाएगी, कढ़ी चावल खाएगी, मम्मा कढ़ी चावल खाएगी। ऐसा ना कई बार हो जाता है, मतलब हस्बैंड को ना लॉक करने की आदत है, कुंडी लगा लेते हैं, तो कहीं बाहर जैसे जाएंगे ना शॉपिंग वगैरह पर कुछ लेने या घर से बाहर जाएंगे, तो बाहर से भी कई बार ऐसा हुआ है कि कुंडी लगा के चले गए, तो फिर मैं फ़ोन करके ना फिर नीचे बोलती हूँ, फिर वो लोग खोलने आते हैं बच्चे बच्चे, तो ऐसा हो जाता है। तो आज भी ऐसे हो गया था, अंदर से कुंडी लगा के, एक तो अंदर आवाज़ नहीं आती है अगर पंखा उनखा चल रहा होता है। तो बस यार मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने कढ़ी चावल, और आप लोगों ने अगर ब्लॉग इंजॉय किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।